नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। एसएससी जीडी के अभ्यर्थी पिछले 11 महीने से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन उन्हें शायद उनके लिए कोई खबर आई है और बड़ी खबर है, हम इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार है, मथुरा उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, अभी आप खबर की बात कर रहे थे, हमारा आपको पता होगा 21 तारीख को हमारा विशाल आंदोलन हुआ था, जिसमें हमारी एक जॉइंट सेक्रेटरी के साथ होम मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई 23 तारीख को। वहाँ पे हमारे पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सरकार ने हमारी मांगों को सुना है, हमारी मीटिंग भी हुई, तकरीबन 1 घंटे तक हमारी मीटिंग चली और सरकार को हमने अब अल्टीमेट देने के लिए जा रहे हैं कि अगर सरकार दिए हुए टाइम में अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो हम इससे भी बड़ा महाआंदोलन करेंगे और वो चुनाव से पहले करेंगे। कितनी उम्मीद बढ़ी है कि इस आश्वासन के बाद आपको वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी? अब उम्मीद तो पूरी लगी है, देखते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं है कि उम्मीद पे हम पीछे हट जाएं, पूरी तैयारी करेंगे अपने अगले आंदोलन की। अगर सरकार का नेगेटिव रेस्पॉन्स आता है तो हम पूरा आंदोलन करेंगे, पॉजिटिव आता है तो हम खुशी से अपने वापस। जैसे मांग पूरी नहीं होती, जो तादाद थी वो भारी तादाद थी, क्या इस बार भी वो तादाद वही रहेगी या और बढ़ेगी? मुझे लगता है इससे 4 से 5 गुना तादाद होगी अपनी। इस बार तो कुछ भी तादाद नहीं थी, तकरीबन 2-2.5 हज़ार बंदे थे, लेकिन अगली बार हमारा टारगेट है 10 हज़ार बंदे करने का अपने साथ। 10 हज़ार एसएससी जीडी, क्योंकि हमारा 55 हज़ार परिवार एसएससी जीडी का एक परिवार है, उसमें से कम 10 हज़ार बंदों तक अपनी बात को पहुंचाना और अपने हक के लिए आगे लाना हमारा टारगेट ही रहेगा इस बार। जो कोरोना का नया वेरियंट भी आ रहा है, फिर भी आपका आंदोलन ऐसे चलेगा? कोरोना का नया वेरियंट आ रहा है वो आगे वाले समय तय करेगा कि किस तरह से देश की स्थिति बनती है, समय की स्थिति क्या बनती है, वो आने वाले समय पर डिपेंड करता है। मोदी सरकार को क्या कहेंगे? मोदी सरकार की सीधी सी है कि ये सत्ता में आई थी केवल युवाओं के बजूद पे, अगर युवाओं की मांग को पूरी नहीं कर सकती तो युवा इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप मेरा नाम है, क्या नाम? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ, मैं बिहार से जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। मैं सबसे पहले भीम आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले 11 महीने से दिल्ली के सड़कों पर भटक रहे थे, आज तक कोई पार्टी हम लोग को इतना सपोर्ट नहीं किया और उनके वजह से आज हमें कोई निष्कर्ष पर पहुंचाया जा रहा है, जो हमारे एमएचए में बात भी चली है और वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने का चांस भी है। चांस नहीं है, परफेक्ट है, क्योंकि हम लोग जिस पॉइंट पे लड़ रहे हैं वो पॉइंट लीगल पॉइंट है। और लगता नहीं है कि भीम आर्मी के आने से ये मुद्दा राजनीतिक बना या दबाव? नहीं, राजनीतिक मुद्दा मैं बता दूं, चंद्रशेखर भैया जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे मैं मानता हूं, उनको एक नेता नहीं मानता, एक बड़े भाई के तौर पर देखता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा सपोर्ट किया, ना कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की जगह पे एक बड़े भाई की तरह हमको सपोर्ट किया पूरी भीम आर्मी टीम ने। जैसे हमारे चैंपियन सर हुए, हमारी बहनों का इतने अच्छे से ख्याल रखा, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया हमको। तो ये हमारे साथ 2018 की अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि इन्होंने भर्ती प्रक्रिया की हर चुनौती पास की है, बावजूद इसके इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। दोस्तों, इनकी मांग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।